नाशिकच्या द्वारका परिसरात असलेल्या दोन ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या मालकांमध्ये गाडी भरण्यावरून मोठा वाद झाल्याचं समोर आलंय, ज्यामध्ये एका ट्रॅव्हल कंपनीच्या मालकाकडून दुसऱ्या ट्रॅव्हल कंपनीच्या मालकाला ऑफिसमध्ये घुसून मारहाण करण्यात आली आहे, तसेच त्यांना जीवे मारण्याची देखील धमकी देण्यात आली आहे. हा संपूर्ण प्रकार CCTV मध्ये कैद झालाय. तक्रारदार जगवीर सिंग गडवाल हे मारहाणीत जखमी झालेत. या प्रकरणाबाबत गडवाल यांनी अधिक माहिती दिली. सर, मेरी गाडी जाती है नासिक से सीकर, डेली सर्विस का काम है. तो मेरी गाड़ी 12:30 बजे निकली थी, तो वो 12 बजे आके पहले तो मेरे ड्राइवर को धमकाया, पकड़ के आता तो उसको, फिर मेरे को आके मेरे को फ़ोन किया उसने, बोला किधर है जगदीश. मैं बोला ऑफिस पे हूँ. बोले मेरे को माँ बहन की गालियाँ दिया, यानी अभद्र भाषा का व्यवहार किया मेरे साथ में. फिर बोले आज तू ऑफिस के ऊपर रुक, किधर है तू अभी. मैं बोला ऑफिस में. बोले मैं आता हूँ रुक. बोले मैं आ देता हूँ तेरे को, आज मैं सिखाता हूँ तेरे को. फिर आके 3-4 लोग लेके आया, एक आप था और 3-4 और थे. मेरे को आते ही पकड़ के मेरे को ऑफिस में मेरे मुंह पे दोनों पे मारा, फिर मेरे पेट पे मारा, छाते में और पेट में, मुंह को से मारा. और फिर मेरे को बोला इधर से तेरे को जान से मार देंगे, नहीं तो यहाँ जाएगा तो कोई बाई को भेज देंगे, उससे साढ़ाई तेरे को मरवा देंगे, तेरे पर केस डलवा देंगे. बोले इसको रैना बुला देंगे इधर तेरे. बोले क्या नाम था उसका? मोहसिन सिमरन ट्रैवल्स. आपका नाम? मेरा नाम जगदीश. या मारहाण प्रकरणी भद्रकाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. जखमी गडवाल यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून भद्रकाली पोलीस याबाबत अधिक तपास करीत आहेत. 9 न्यूज साठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे सह इसाक कुरेशी, नाशिक.